बीजेपी ने विपक्ष के लिए 15 सीटें छोड़ दी हैं और बीजेपी 75 पर कब्जा करेगी, ऐसा कहना है हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। वहीं ओपी धनखड़ ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। कहा गया कि 15 सीटें विपक्ष के लिए इसलिए छोड़ी गई ताकि विपक्ष भी बना रहे, क्योंकि इस समय कोई विपक्ष है ही नहीं। विपक्षी नेता कोई पारिवारिक तो कोई पार्टी संकट से जूझ रहा है। भाजपा ने कहा है कि इस बार 75 पार, पिछले 15 सीटें विपक्ष से आए इसलिए छोड़ी है कि विपक्ष समाप्त नहीं होना चाहिए। अब विपक्ष की अपने संकट हो गए हैं, एक का पारिवारिक संकट हो गया है, एक पार्टी का संकट हो गया है। अध्यक्ष को कोई अध्यक्ष नहीं मान रहा, प्रभारी अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं मान रहा, उसके आदेशों की अवहेलना करता है, बाकी हुड्डा परिवार अध्यक्ष बनने की पूरी महत्वाकांक्षा लिए बैठा है। ऐसा लगता है कि जैसे एक टीम आके मैदान में खड़ी हो गई हो, ड्रेसअप होकर दूसरी आ ही नहीं रही हो, ऐसा संकट बना हुआ है। इसलिए विपक्ष को जल्दी अपनी सेहत ठीक करते हुए और इसे अक्टूबर के चुनाव के लिए मैदानी जंग में उतरना चाहिए।